हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन। आप देख रहे हैं टेक्निकल चंदन कुमार। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप रबी फसल का आवेदन कैसे कर सकते हैं, जो कि उसका अंतिम तिथि है। आप यहां पर देख सकते हैं 15 मार्च 2023 तक है आवेदन करने की अंतिम तिथि। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक घोषणा पत्र डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन पर जाके घोषणा पत्र रैयत पर क्लिक करके आपको इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको इसको फिलअप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देना है, पिता और या पति का नाम डाल के, पूरा गांव का नाम डाल कर, और यहाँ पे आपको डिसमिल डाल देना है। अब गेहूँ लगाए, सरसों लगाए, चना लगाए। उसके बाद आपको यहाँ पे हस्ताक्षर एवं मोहर करा लेना है। वार्ड या मुखिया मानकी मुंडा का नाम और पद लिख देना है, और उसका मोबाइल नंबर और आवेदन किसान का यहाँ पे सिग्नेचर करा के रख लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है किसान लॉगिन करे पर। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर या आधार नंबर से इसको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करने वाला हूँ। फिर आपको यहाँ पे फसल मौसम चयन करे पर रबी सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट दर्ज कर देना है, फिर कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करे पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, तो उसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे पहले जितना किए थे सारा यहाँ पे आ गया है डिटेल्स। यहाँ पे पहले से भूमि अपलोड नहीं है, तो चलिए इसको अपलोड करते हैं। और जिसका अपलोड है तो उसमें सिर्फ घोषणा पत्र को आपको चेंज करना है। वहाँ पे पूरा मैं भर चुका हूँ। फिर आपको ऐड लैंड पर क्लिक करना है। फिर आपको फसल जोड़े पर क्लिक करके आपको यहाँ पे एकड़ बैठा देना है। जैसे यहाँ पे 2 एकड़ है। फिर फसल का मौसम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है रबी। फिर फसल का नाम, आप क्या लगाएं खेत में, चना या आलू, गेहूं, सरसों, जो भी लगाएं आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे चना लगाया है कस्टमर, तो चना यहाँ पर सेलेक्ट करके वर्ष सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जिस दिन आप इसको बुने उस दिन आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देना है। कोई फिक्स नहीं क्या उसी दिन हो, आप 1-2 महीना बाद का कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे फाइल को अपलोड करना है। अगर आप पहले से किए होंगे तो सिर्फ आपको घोषणा को एडिट करना है। एडिट पे जाके एक न्यू अपलोड कर देना है घोषणा पत्र, जो आपको मैं बताया डाउनलोड करके कुछ उसी प्रकार से। यहाँ पे अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपलोड क्लिप करना है, अपलोड बटन पर क्लिक करना है। तो ये कुछ समय लेगा अपलोड होने में। तो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। एक बार आप अच्छी तरह से डिटेल मिला लीजिए, उसके बाद लॉगिन आवेदन सबमिट आवेदन पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कृपया घोषणा पत्र रबी 2023 का अपलोड करें। तो एक बार आपको इस पेज को रिफ्रेश कर देना है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, नहीं हो रहा वही बता रहे थे। इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है पेज को। रिफ्रेश करने के बाद आपको फिर से ट्राई करना है, सबमिट पे फिर ओके क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन सक्सेसफुल हो गया। तो आप भी कुछ इसी प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।